तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में बात करेंगे, शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इसे सुनने के बाद आपको यकीन भी नहीं होगा। द मिस्टीरियस फ्लाइट, इस बात को बहुत राज रखा गया। ये बात है 4 सितंबर 1954 सैंटियागो की फ्लाइट EWA-513 वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से पोर्टो एल्गोरी के लिए 92 लोगों के साथ टेक ऑफ की। ये जर्नी 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ घंटे बाद फ्लाइट की कॉन्टैक्ट कंट्रोल सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत दिन बीत गया, कुछ पता नहीं चला। फिर इस फ्लाइट का सर्च मिशन शुरू हुआ कि किसी भी तरह इस फ्लाइट को ढूंढ लिया जाए, पर कुछ सालों बाद में बंद हो गया और कुछ लोगों ने मान लिया कि अब ये फ्लाइट नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने कहा आसमान निकल गया और कुछ लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन उन लोगों का बात का कोई वजूद नहीं था। इन सब बातों के बाद कुछ साल सैंटियागो की एयरलाइंस चली, फिर कुछ साल बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन चौंका देने वाली घटना ये थी, इन 92 लोगों का किसी का कुछ पता नहीं चला, ना ही कोई एक्सीडेंट हुई, ना ही कुछ हुआ। तो ये प्लेन गया तो गया कहाँ? लेकिन अब इस वीडियो में आने वाला है ट्विस्ट। EWA-513 को टेक ऑफ किए हुए 35 साल हो चुके थे। 12 अक्टूबर 1899 के सुबह पोर्टो एल्गोरी के रडार में एक अननोन प्लेन दिखा जो पोर्टो एल्गोरी की तरफ बढ़ता आ रहा था। एयरपोर्ट में बैठे सभी स्टाफ के लिए सैंटियागो की फ्लाइट को देख के अचंकित रह गए। इन लोगों के लिए हैरानी बात यह थी कि बिना किसी वार्निंग के एयरपोर्ट में कैसे लैंड कर सकता है। लोगों के मन में डर भी था और एक्साइटमेंट भी थी कि ये कौन सी फ्लाइट है और कहां से आ रही है। ये फ्लाइट सही से लैंड हुई। लैंड होने के बाद एयरपोर्ट पर बैठे स्टाफ सब फ्लाइट की तरफ गए। सबसे पहले देखा EW-513 सैंटियागो की फ्लाइट जो 35 साल पहले टेक ऑफ किया था और कुछ घंटे बाद रडार सिस्टम से गायब हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। बाहर बैठे सभी स्टाफ प्लेन की पायलट से बात करने के लिए बहुत कोशिश की। कुछ टाइम रुकने के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गेट खोलने का फैसला किया। गेट खोल के अंदर जाते देखा और अंदर जाते ही सभी लोग देख के शॉक हो गए। अंदर सीट पर स्केलेटन बैठे हुए थे जो सीट बेल्ट लगाए हुई थी। टेक ऑफ के समय सब कुछ सही था, लैंडिंग होने के बाद सभी लोग स्केलेटन कैसे बन गया इसका जवाब सिर्फ पायलट ही दे सकता है। सभी सिक्योरिटी पायलट की तरफ यानी कॉकपिट की तरफ गए। कॉकपिट का डोर खुलते ही देखा पायलट भी स्केलेटन बन चुका था और पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन के ऊपर है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ एक स्केलेटन प्लेन को लैंडिंग करा सके? और इस घटना को वहाँ का सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाहर आने नहीं दी। इस प्लेन की स्टोरी राज रखा गया और तब से लेके अब तक कॉन्फिडेंशियल है।